सीएम शिवराज के सीहोर में अब धमकियों से लड़ा जा रहा चुनाव। बीजेपी नेता सुदेश राय बोले, अब किसी ने आंख उठाई तो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब धमकी और चुनौती से भी लड़ा जा रहा है। एक दिन पहले सीहोर विधानसभा के श्यामपुर में बीजेपी की जनसभा आयोजित की गई। इस जनसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शामिल होना था, लेकिन देर होने की वजह से सीएम जनसभा के लिए श्यामपुर नहीं आ सके और उन्होंने राजगढ़ जिले से ही सीहोर की सभा को संबोधित किया। हालांकि देर रात को सीएम श्यामपुर भी पहुंचे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय का धमकी भरा अंदाज नजर आया। दरअसल विधायक और सीहोर से बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विरोधी तंत्र ऐसे स्तर पर आकर चुनाव लड़ रहा है जैसे उनकी सल्तनत आज ही लुट गई हो। सुदेश राय ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि तुम चिंता मत करना, बिल्कुल भी चिंता मत करना, चुनाव तो अपन ही जीतेंगे, सरकार तो अपनी ही बनेगी, फिर इनको भी समझ लेंगे कितनी गुंडागर्दी आती है। ये तो मेरी शराफत है, मेरे परिवार की शराफत है कि 10 साल में इनका कुछ नहीं किया। हम ऐसे लोग नहीं हैं, पर अब किसी ने आंख उठाई है तो उसका जवाब भी ऐसा दिया जाएगा कि वो भी याद रखेंगे कि उनसे भी बड़ा कोई है। सीएम ने नरसिंहगढ़ से ही सीहोर को किया संबोधित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेट हो जाने की वजह से श्यामपुर में स्थित जनसभा के दौरान मंच पर उपस्थित नहीं हो सके। नतीजतन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से ही मोबाइल के माध्यम से सीहोर स्थित श्यामपुर की सभा को संबोधित किया। चिंता मत करना, कुरावर से सीधा श्यामपुर ही आऊंगा, मुझे 10 बज जाएगा। बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, परिवार चलाता हूँ, ये मेरा परिवार है। अपार जनसमूह इतनी रात को बैठकर मेरा इंतजार कर रहा है। मैं लाडली बहनों का भाई लगता हूँ और भांजे भांजियों का मामा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, योजनाएं तो कई बनाई लेकिन मेरे मन में एक बात थी कि मेरी गरीब बहनें हजार हजार रुपए के लिए परेशान होती हैं। कोई जरूरत पड़ जाती तो इंतजाम नहीं हो पाता था। मुझे लगा शिवराज तुम बहनों के सगे भाई हो तो बहनों के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। अंत में मैंने सोचा कि कुछ मत करो, सीधे अपनी बहनों के खाते में पैसा डाल दो और मैंने बना दी लाडली बहना योजना। जाओ बहनों, धनतेरस की खरीदारी करो। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना का पैसा 10 तारीख को आता है, लेकिन इस बार दीपावली थी इसलिए मैंने 10 तारीख के पहले ही पैसा डलवा दिया। सीएम शिवराज ने कहा कि जाओ मेरी बहनों, दिवाली धनतेरस की खरीदारी करो, ये लाडली बहना योजना आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। सीएम ने लाडली बहनों से पूछा, बताओ मेरी बहनों, लाडली बहना योजना से खुशियां आई कि नहीं। इस तरह सीएम शिवराज ने राजगढ़ जिले से ही सीहोर जिले की सभा को भी संबोधित कर दिया। हालांकि बाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान श्यामपुर भी आए और लाडली बहनों से मिले। कि विरोधी तत्व ऐसे स्तर पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं जैसे उनकी सल्तनत आज ही लुट गई हो, पर कहीं चिंता मत करना, बिल्कुल भी चिंता मत करना, चुनाव तो अपन ही जीतेंगे, सरकार अपनी ही आएगी, फिर इनको भी समझ देंगे कि कितनी गुंडागर्दी आपको आती है। ये तो मेरी शराफत है, मेरे परिवार की शराफत है कि मैंने 10 साल में इनका कुछ भी नहीं करा, क्योंकि हम ऐसे लोग नहीं है। पर अब किसी ने आंख उठाई तो उसका जवाब भी ऐसा दिया जाएगा कि वो भी याद रखेंगे कि उनसे भी बात कोई है। एक अफवाह फैला। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।